नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों की होंठ के नीचे तिल होता है। तो फिर इस तिल का क्या मतलब होता है और यह इस तरह के लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालता है। क्या होंठ के नीचे तिल होना सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक? क्या इनके लिए अच्छा होता है या फिर बुरा? दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में तिलों को लेकर काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं और मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के होंठ के नीचे तिल होता है तो फिर यह जो तिल है उन लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के होंठ के नीचे तिल होता है, यह जो तिल होता है, इस तरह के तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह जो तिल होता है वह इन लोगों के लिए निर्धनता की ओर इशारा करता है। यानी कि इस तरह के लोग जिनकी होंठ के नीचे तिल होता है, इन लोगों को पैसों की तंगी होती है, पैसों को लेकर परेशानियां होती रहती हैं, जो कि इनको निर्धन बनाने पर मजबूर कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के जो लोग रहते हैं, इस तरह के लोग, इनके साथ पैसों की कमी होती है। ये किसी भी तरह से पैसे कमाएं, इनके पैसे खर्च हो ही जाते हैं, और चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये पैसे जोड़ कर रखने की, तो भी इनके पैसे खर्च हो जाते हैं, जो इनके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी दिक्कतें इनके सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जो इनको इनके पैसों के लेकर इनकी समस्याएं रहती हैं वे हमेशा बनी ही रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरह की और जानकारियाँ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।